पलवल में पुलिस के हाथ उस समय बड़ी सफलता लगी जब एवीटी स्टाफ की टीम ने एक इनामी बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब उसका रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि उस पर देश के 5 राज्यों में करीब 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बदमाश पर इन राज्यों में लूट, डकैती, जानलेवा हमले और एटीएम काटने को लेकर मामले दर्ज हैं। सिलसिलेवार बात की जाए तो हरियाणा में 11, यूपी में 12, गुजरात में 2, राजस्थान में 3 और वेस्ट बंगाल में 3 मामले दर्ज हैं। 2000 को हेडकांस्टेबल साजिद को सूचना मिली थी कि गांव खाइका के पास 5 राज्यों का वांछित अपराधी व इनामी अपराधी खाइका गांव के पास खड़ा, जिस पर इसने उसको काबू करने के दौरान इससे एक पिस्तौल देसी 315 लोडेड मिला है, जो पांच राज्य हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, वेस्ट बंगाल की लगभग 30 वारदात मानी गई है। तो इसने कौन कौन सी वारदातों को अंजाम दिया है? ये इसकी हरियाणा की अलग, राजस्थान की अलग, उत्तर प्रदेश की इसकी एटीएम कटर है, गैंगस्टर एक्ट है, 307 है, चोरी की वारदात है। इस पर कुछ इनामी राशि भी? इनाम राशि राजस्थान से तो इस पर पता चल गया, राजस्थान से इस पर 2500 रुपये का इनाम है। तो अभी तक पूछताछ के दौरान कुछ पता चला है इससे कि और कुछ नहीं खुलासा हुआ है? यही खुलासा हुआ, इसने 30 वारदात मानी, 500 राज्यों की अलग अलग वारदात है, वेस्ट बंगाल की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की। तो एटीएम कटर के दौरान अब तक कितने रुपए चुराए इन्होंने? इसने लगभग 75 लाख के लगभग। तो अब इसके खिलाफ कौन सी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? इसकी आरएमज एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो क्या इसको पुलिस रिमांड पर लेंगे? बता दें कि 27 फरवरी को पुलिस की टीम हथीना के खैका मोड़ के पास जिस वक्त गश्त कर रही थी, उसी समय मुखबिर ने उन्हें सूचना दी थी कि कई मामलों में वांछित अपराधी पलवल में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित की और दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान इकराम के रूप में की गई है, जो नूह का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी पर अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।